अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अहमद खान और अभी सुबह हो चुकी है। पहले ऊपर चलते हैं, इनकी तरफ पाल उतार लेते हैं और उनके बाद इनको आके खाना दे लेते हैं। और अभी जो है मैं इनके लिए जो है वो पालक भी ले आया था और मिर्ची भी हैं, और इसके साथ इनके लिए जो है वो मिट्टी भी लाया हूँ। लेकिन जहाँ से दाना इनका ख़त्म हो गया था, जहाँ से दाना मेरा सिर्फ मिक्स दाना, जो कि मिक्स दाना शौक से नहीं खाते, जो इनका अपना दाना वो यहाँ से मिलता नहीं है। तो आज चलेंगे इंशाल्लाह इनका दाना भी लेकर आएंगे मंडी से। दोस्तों अभी जो है मैं छत पर आ गया हूँ, लेकिन आज धूप तो है लेकिन तेज़ नहीं है और आसमान बिल्कुल साफ हुआ है, सूरज भी सही निकला हुआ है, लेकिन धूप तेज़ नहीं है, मौसम ठंडा है। तो अभी क्या करते हैं कि इनके ऊपर से तरपाल उतार लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे इनको जो है वो दाना डालने। तो मैं पालक वगैरह भी ले आया था और काफ़ी दिन हो गए मैं बड़ा बिजी रहा हूँ, जिसकी वजह से जो है ना मैं इनको पालक वगैरह काट के नहीं दे सका। तो आज क्या करेंगे, इनको पालक वगैरह काट के ही देंगे। तो चले अभी नीचे चलते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया है कि पालक और मिर्चें काट भी ली है और मेथी मैं ऐसे दूंगा और दाना भी इनका आ गया। खैर ये दाना दूसरे शौक से नहीं खाते, बहरहाल मैं इनके लिए और दाना भी ले आऊँगा। तो पहले चलें चलते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सब ठीक बैठे हैं, सब माशाल्लाह। अभी ये देखिए कि हमारे फिशर जो है वो भी ठीक बैठे हैं और बाकी तोते भी सही उड़ फिर रहे हैं। और हमारे मिट्टू, हेलो मिट्टू कैसे हो, डरते बहुत हमारी मिट्टी है। और अभी हम इनको देख लेते हैं, इसका ज़ख़म है तो थोड़ा सा ख़राब ही, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द। और हेलो आप कैसे हो। अच्छा तो मैंने इसको थोड़ा इसलिए बंद किया क्योंकि जब ये मैंने लिया था ना तो इन दोनों का पेयर बना हुआ था आपस में, इसी वजह से मैंने इन दोनों को जो है साथ साथ कर दिया बंद। तो खैर अभी क्या करता हूँ मैं कि सबसे पहले तो इनको दाना चेंज करना है, दाना थोड़ा सा गीला हो गया था इनका जब बारिश आई थी, तो पहले इनका दाना चेंज कर लेता हूँ और उसके अलावा इनको पालक वगैरह दे लेता हूँ, पानी चेंज कर लेता हूँ। और जो है अच्छा ये देखें माशाल्लाह इस हांडी में एक टोटी जाने लगी, शायद ये वही है जो उड़ नहीं सकती, हाँ वही है, चलो इसको भी देखते हैं। तो फिर चलता हूँ पहले इनको, तभी से इनको जो है जल्दी से दाना पानी डाल देते हैं, इनको खाना दे लेता हूँ। मेथी, पालक मिर्ची, पानी और दाना डाल दिया। और इनके साथ ही मैंने ऐसे ही किया है, देखिए दाना पानी और जो है ये पालक। और इनके लिए तकरीबन यही कंडीशन है। अच्छा तो हमने जो है इनको फीड वगैरह तो डाल दिया, और अब सबसे पहले जो मैंने काम करना है वो बता क्या है, वो ये है कि ये देखें ये केज है ना, मैंने लगाया था इसके साथ एमरजेंसी में, मैंने कहीं जाना था तो इसी वजह से ना ये जो है बार बार हिल जा रहा है, हिल जा रहा है। क्या करते हैं इसके लिए एक जगह बनाते हैं, इसको वहाँ पे फिट करते हैं। आई थिंक ये इस जगह पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा ऊपर करके, ये इसको मैं फिक्स करता हूँ। माशाल्लाह। तो अभी क्या करते हैं, आज मैंने एक चीज़ देखनी है कि इनके हड्डियों में चेक करना है कि किसी हड्डी में अगर अंडे हैं तो उन अंडों के नीचे इस तरह का बॉक्स आज ही लगा लें, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरा एक बेबी इसी वजह से मारा गया था। तो खैर अब इंशाल्लाह दोबारा ये वाली गलती अब हम नहीं करेंगे। तो पहले मैं इसको पकड़ लूँ और इसको जो है पायोडीन लगा लूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अभी क्या हुआ कि मैंने उसको पायोडीन भी लगा दिया और सारा आप फिक्र ना कीजिएगा, खून नहीं है, पायोडीन है। तो पहले हम चलते हैं और देख लेते हैं हांडियों में अगर अंडे हैं तो ये वाले बॉक्स लगा लें आज ही। तो पहले मैं चढ़ता हूँ ऊपर और फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, इसमें एक अंडा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है, और ये खा लिए।
ये भी खा लिया है। ये भी खाली है। और बाकी है जो शर्ट की तो हाँ खाली है, बस एक में ही अंडा है और जो अंडा है वो है उस वाली हांडी में। तो दोस्तों माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है कि एक अंडा जो है वो एक तोती ने दे दिया, और ये वही तोती है जिसने पहले मुझे 5 अंडे दिए थे और उसमें से एक बचा मर गया था। तो खैर कोई इशू नहीं है, अगर हमारा एक अच्छा गया तो माशाल्लाह से जो हमारे पास एक अंडा आ गया तो खैर ये तो अच्छी बात है। तो मैं शाम को ही आऊँगा, इनको डब्बा भी लगा दूँगा इंशाल्लाह। और अभी फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं। छत के फिर जो मैंने दाना डाला वो तो बहुत है, तो बाकी क्या करते हैं इसको ना ऐसे ही फोल्ड करके ना यहाँ पे शापर को रख देते हैं ताकि जो थोड़ा थोड़ा गीला वो सूख जाएगा और जिसने खाना होगा अगर वहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ से खा लेंगे। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं और फिर इंशाल्लाह शाम में चलते हैं अपनी कलोनी में। दोस्तों मैं जो हूँ अभी मंडी पहुँचने ही वाला हूँ और आपको नज़र आ गया होगा पहले मंडी यहाँ पर जाना। पहले बकरों की मंडी बहुत कम लगती थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बकरे इतने बढ़ गए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। देखिए माशाल्लाह कितने बकरे खड़े हैं, भेड़ खड़ी हैं, भेड़ियों हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो है ना बकरी मंडी भी जो है ना लगने लग गया, बकर मंडी ना। तो अभी तो बकरा ईद थोड़ी दूर है, अभी तो रमज़ान छोटी ईद आएगी फिर बकरा ईद आएगी, तब तक देखना यहाँ पे वो भी ज़्यादा बड़ी मंडी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो खैर अभी हम यहाँ पर मंडी, आज मेरे आने का मकसद दो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊँगा। एक तो जो है वो मैंने मिक्स दाना लेना है और दूसरा जो है वो मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक परिंदा ढूंढना है उसकी जो है ना पिक्चर मैं ऐड कर दूंगा, दिखाऊंगा कि वो कौन सा परिंदा है, पूछना भी है मैंने कि कौन सा परिंदा है और वो कहां से मिलेगा। तो खैर अभी चलता हूं मैं ना और पता करता हूं ज़रा। तो जो है वो मैं दाना ले रहा हूँ और जो मैंने परिंदा लेना था वो उनके पास नहीं है, वो कह रहे यहाँ पे मिलेगा नहीं, मिलेगा बाहर के मुल्क पे। मैं आपको उसकी भी पिक्चर दिखाता हूँ ज़रा। दोस्तों ये बता वो वाला परिंदा जो मैंने लेना था यहाँ से मिला नहीं। तो दोस्तों रात हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं ऊपर आया था सरपाल डालने के, लेकिन पहले मैं देख लूँ कि जो है वो हमने जो सुबह दाना डाला था उसकी क्या सूरत हाल है। देखिए माशाल्लाह काफ़ी हद तक कम हुआ है, परिंदे वगैरह आते हैं बहुत आते हैं, देखिए उनका दाना सारा ही ख़त्म। चलें खैर इनके ऊपर तरपाल देते हैं और इन्हें बंद करते हैं यहाँ से। तो आजकल मौसम थोड़ा ठंडा होता है ना, ये ऊपर नहीं बैठते, नहीं तो पहले ऊपर बैठते थे इस जगह पे ना, कभी इस जगह पे कभी इस जगह पे, क्योंकि इसमें और इन दोनों में जाली में गैप है ना इस वजह से। तो अभी ऊपर नहीं बैठते शायद, तो इनके पत्र पाल देते हैं, उनसे जाकर इनको देख लेते हैं कि सब ठीक बैठे हैं, और उनसे जाकर पायोडीन भी लगा देता हूँ ताकि हमारी तोती जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उड़ने के काबिल हो जाए। चलें तो अभी चलते हैं नीचे। बस हमने क्या किया था, ऊपर तरपाल डाल दी थी और अभी हम आए हैं नीचे अपने तोते देखने। तो खैर माशाल्लाह सब ठीक ही बैठे हुए हैं, तो अभी क्या करते हैं इनको सोने देते हैं और यहाँ से चलते हैं हम। और ये भी ठीक बैठे हुए हैं यार, इनके लिए भी एक ना लकड़ी लगानी है इसके अंदर ताकि रात को सोएं उसी के ऊपर ही, पड़ी तो है, मैं लगा देता हूँ अभी ना। तो पहले लकड़ी ले आता हूँ मैं उठा के और इन पर लगा देता हूँ। अभी क्या लकड़ी तो नहीं मिली बट ये एक पाइप सा मिल गया, दुआ करें पूरा आ जाए और इंशाल्लाह आ जाएगा पूरा। तो क्या कहते हैं वो देखें माशाल्लाह हमारे फिशर कैसे बाहर निकल के देख रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो चलें खैर फ़िलहाल मैं इनके लिए लकड़ी लगा देता हूँ ताकि, लकड़ी तो नहीं है खैर ये पाइप सा जो भी है प्लास्टिक का रॉड। तो ये देखें दोस्तों क्या माशाल्लाह जो है मैंने ये लगा दिया है बट इसका भी बैठे हुआ था अभी नीचे उतर आया, खैर कोई इशू नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि रात का टाइम हो गया तो इसको अभी हम ना ही लगाएं तो बेहतर है। ये देखें ये लग गया, लेकिन इसका एक इशू है कि अभी गोल गोल घूम रही है जिसकी वजह से इनको मसला है, मैं उसका भी हल निकाल देता हूँ इनको।
ताकि ये सुकून से यहाँ पे बैठ जाए, बैठ सके रात के टाइम। और कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी इसका क्या हल निकालें। आई थिंक अब ये फिलहाल गोल गोल नहीं घूमेगा। खैर, तो ऑस्ट्रेलियन तोता का ये होता है, जैसे लाइट खुले या जैसे रोशनी हो, ये सीधा खाने पे टूटते हैं। और अभी भी देखें, ये दोनों खा पी रहे हैं। तो खैर चलते हैं, अब यहाँ से इनको सोने देते हैं। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। फिर ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और हमारी वीडियो को और हमारे चैनल लव सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।